Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. JJ Fab. Summon, I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say. Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. JJ Fab. Summon, I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman. हाय गाइस, सो मेरा नाम है राहुल और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी जो आपने दो वीडियो का प्रीव्यू देखा, एक था कृष्णा वाला वर्जन और एक था मेरा वाला थोड़ा सा एडिटेड वर्जन, तो ये अभी इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे ट्रेंड फैल रहा है एंड काफ़ी सारे लोग इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं एंड अच्छे खासे व्यूज़ जनरेट कर लें। तो इस ट्रेंड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ऐप, इस ऐप का नाम है VN एडिटर। ये इजीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ ऐप को ओपन कर लेंगे, आप नीचे देख रहे होंगे एक प्लस बटन शो हो रहा है, इस पर टैप करेंगे, देन आप क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। नाउ सबसे पहले हमें स्टार्टिंग वाली वीडियो को ऐड करना है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, टेलीग्राम वाला लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पर सारा ये अपडेट्स देते रहता हूँ। तो हम अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियो को इम्पोर्ट कर लेंगे। जब हमारी ये वाली वीडियो इंपोर्ट हो जाए तो आपको सबसे पहले जो एंडिंग पार्ट हमें VN खुद से देता है, इस पर टैप करके इसको डिलीट कर देना है। ये पार्ट डिलीट हो गया, अब हम ऐड करेंगे अपना म्यूज़िक। म्यूज़िक को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक म्यूज़िक का आइकन देख रहे होंगे, इस पर टैप करेंगे एंड देन म्यूज़िक पर दबाएंगे। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप टेलीग्राम पर जाके दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो स्टार्टिंग वाली और ये वाला म्यूज़िक। तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे चूज़ पर, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और सीधे डन पे क्लिक कर देना है। ये हमारा म्यूज़िक भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब बात आती है अपनी इमेजेस की। इमेजेस को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप एक बड़ा वाला प्लस बटन देख रहे होंगे, इस पर टैप करेंगे और फिर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। आप अपनी सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इतनी इमेज लेनी है, काफ़ी बड़ा म्यूज़िक है तो आप कितनी भी इमेजेस ले सकते हैं। तो मैं अभी के लिए अराउंड 12 फोटोज़ ले रहा हूँ, इन्हीं को दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ। मेरे यहाँ पे 12 फोटोज इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमें मेरे को सिंक करना है म्यूजिक के साथ में अपनी इमेजेस को, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो खत्म हो रहा है और जो फर्स्ट वाली इमेज है इसका ड्यूरेशन हमें सेट करना होगा 0.5 सेकेंड्स, तो इसको हम ट्रिम कर लेंगे 0.5 सेकंड्स के लिए और जो बाकी इमेजेस हैं उनको हमें रखना होगा 0.25 सेकंड्स पर। ये फर्स्ट वाली इमेज हमारी 0.5 सेकंड्स के लिए ऐड हो गई है एंड देन हम बाकी सारी इमेजेस को जल्दी जल्दी कर लेंगे 0.25 सेकंड्स के लिए। इस वाले वर्जन में जो एडिटिंग रिक्वायर्ड है, जो हम सॉन्ग को अपनी फोटोज के साथ में सिंक करते हैं, उसमें सिर्फ यहीं तक रिक्वायर थी कि वीडियो आनी चाहिए और उसके बाद ही इमेज, फर्स्ट वाली इमेज को 0.5 सेकंड्स के लिए, तो तभी वो एक अच्छा इफेक्ट बन के आता है जैसा कृष्णा वाला वर्जन है। Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. JJ Fab. ऐसे करके हमारी इमेजेस चेंज होती जाएंगी, फर्स्ट वाली इमेज को 0.5 सेकंड्स के लिए रखना है, यही हमारा मेन सिंक का काम था इस वाले ऐप में। और जो मेरा वाला वर्जन है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम है तो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी इस वाले को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हमारा ये वाला वर्जन रेडी है, एक बार इसको प्ले करते हैं। Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. JJ Fab. और आप इसमें जितनी चाहे उतनी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, आपको म्यूजिक को एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो म्यूजिक जब ही एक्सटेंड होगा जब आप इसमें और ज़्यादा इमेजेस को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने इतनी इमेजेस के लिए इसको बना दिया है, आप जितनी ज़्यादा इमेज लगाएंगे उतना ही इफेक्ट ये वाला अच्छा बन के आने वाला है। तो ये रही कृष्णा वाले वर्जन की बात, अब बात करते हैं मेरे वाले वर्जन की। उस केस में क्या करना है, हमें म्यूज़िक पे बीट्स लगानी होगी, क्योंकि जो मेरा वाला वर्जन है उसमें इमेजेस काफ़ी जल्दी चेंज हो रही हैं, तो हमें बीट्स के अकॉर्डिंग ही अपनी इमेजेस को चेंज करना होगा। तो बीट्स को लगाने के लिए हम म्यूज़िक पे टैप करेंगे एंड ध्यान, आप एक यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे बीट्स का, इसको ओपन करने के बाद अब यहाँ पे म्यूज़िक को प्ले करेंगे।
सुपरसोनिक स्पीड। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाली इमेज का जो बीट था ना, उसने बोला था उसको चेंज करना है। ठीक है, हम यहाँ पर एक फ्लैग लगा देंगे और फिर हर एक पॉइंट पर जहाँ पे भी ये जो बीट है ये रेज हो रही है, एक फ्लैग लगाते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 बीट्स लगा लिए हैं। अब मेरे को अपनी इमेजेस को इन बीट्स के साथ में सिंक करना है, तो यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे। जो फर्स्ट वाली इमेज का ड्यूरेशन रहने वाला है वो तो उतना ही रहेगा, और बाकी सारी इमेजेस को हमें ये जो हमने बीट सेट करी है इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना होगा। आप इमेज पे क्लिक करके उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं फर्स्ट वाली बीट के साथ में। ये ऐसे सिंक हो गया इसका। आप टाइमलाइन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों अपने थंब से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बीच वाले उस पर क्लिक करके। अब सेकंड वाली इमेज को हमें शॉर्ट करना है बीट के साथ में, देन थर्ड वाली। थोड़ा सा एक बार प्रीव्यू ले लेते हैं इसका। Hey Fab, I'm gonna kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. तो आप जितनी जल्दी इमेज को चेंज करेंगे उतना ही इफेक्ट अच्छा लगने वाला है। तो हमने बीट सेट कर दी, जहाँ पे भी बीट हाई होने वाली है वहाँ पर हमने एक बीट डाली है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी इमेजेस को चेंज कर रहे हैं। बीट्स हमें इसी चीज़ में हेल्प करती हैं, जब अपनी इमेजेस को जब भी हमें एक्यूरेटली चेंज करना हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट बन के आता है। ठीक है, अब थोड़ी सी इमेजेस और इंपोर्ट कर लेते हैं। एक बार प्रीव्यू लेते हैं। Hey Fab, I'm gonna kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. तो इस तरीके से जो मेरा वाला वर्जन था वो वाला भी तैयार हो गया है। अब जब आप दोनों में से कोई भी एक वर्जन रेडी कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर टैप करेंगे एंड देन जो एक्सपोर्ट ओरिजिनल है इसको ऑफ कर देंगे एंड फ्रेम्स पर सेकेंड FPS जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको 50 पर रहन देंगे एंड देन आप टिक कर देंगे डन पर। तो अब आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। देन आपको क्लिक करना है सेव टू एल्बम पे और ये आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। सो गाइस, इसको ट्यूटोरियल को मैं पूरा बता चुका हूँ आपको। इसी तरीके से हर एक इमेज को अपने बीट्स के साथ में सिंक करना है। आप ध्यान रखना, बीट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इमेजेस को जल्दी जल्दी चेंज कर पाएंगे, वरना बहुत टिपिकल होने वाला है ये। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम से रिलेटेड ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।